हर ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विजन सॉल्यूशंस के सीसीटीवी कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कॉन्टैक्ट करें 7857934410। आप जनता दल यूनाइटेड के पुराने साथी हैं, कई कई बार जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। ऐसा खबर आ रहा है कि आदरणीय माने ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नौ मनोनीत कर दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, परम आदरणीय श्री ललन सिंह जी पार्टी के समता पार्टी के संस्थापक साथियों में से हैं और हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ललन सिंह जी को अध्यक्ष बनाकर जनता दल यूनाइटेड के पुराने साथी और नए साथी यानी कार्यकर्ताओं को सबका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है और हम लोग आशा करते हैं कि ललन सिंह जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड अपनी राष्ट्रीय पटल पर अपनी पकड़ मजबूत करेगी और जो भी हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों में काफ़ी खुशी है और सिवान जनता दल यूनाइटेड भी काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त करता है और कोटि कोटि बधाई आदरणीय नेता नीतीश कुमार को और नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी को भी, क्योंकि वो संसदीय दल के नेता भी हैं लोकसभा में, पहले से ही हमारे जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के वरिष्ठ पद पे वो विराजमान हैं। अब पार्टी की कमान उनके हाथों में सौंपी गई है, कार्यकर्ताओं को बड़ी आशा और विश्वास है, भरोसा है कि उनके नेतृत्व में पार्टी काफ़ी ऊंचाइयों पे जाएगी। अच्छा मुर्तुजारी कैसर साहब, एक बात बताइए कि तरह तरह की चर्चाएं मैंने चलती रही कि उपेंद्र कुशवाहा होंगे, ललन सिंह होंगे या माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हो जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तरह तरह की चर्चाएं रही और अंतिम फैसला लगभग ऐसा लग रहा है कि ललन सिंह के प्रति हो गया है, तो क्या ऐसा लगता है कि ललन सिंह जी को ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति जो उनकी निराश जो चल रहे थे, तो क्या मनाने के लिए ये सब किया गया है या फिर कोई और? नहीं देखिए, पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है उसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र विराजमान है और जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, जो सर्वमान्य नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो सबकी भागीदारी और सारे साथियों के जो अधिकार हैं उसका ख्याल करते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी ने जो राष्ट्रीय सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता नीतीश कुमार, इन सब लोगों की आम सहमति से केंद्रीय मंत्रिमंडल में रामचंद्र बाबू चले गए, तो हमारे पार्टी के अंदर की जो परंपरा रही है कि एक व्यक्ति और दो महत्वपूर्ण पदों का निर्वहन करने की परिपाटी हमारे यहाँ नहीं है, तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाकर और हम आरसीपी बाबू के ही द्वारा प्रस्तावित करके हमारे पार्टी की राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और यह फैसला किसी व्यक्ति का नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है। पार्टी के सभी जो प्रतिनिधि हैं उस सभी साथियों के सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है, इसमें किसी को मनाने और किसी को रूठने की बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी वो भी संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और पार्टी के महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन्होंने निभाने का काम किया है, कार्यकर्ताओं पे उनकी काफ़ी पकड़ है, सभी साथियों को मिला के और पार्टी को संगठन को एक मजबूत दिशा का जो उनका अभियान चल रहा है, आजकल उन्होंने एक संकल्प लिया है कि देश के नंबर वन पार्टी जनता दल यूनाइटेड को हम बनाएंगे और राष्ट्रीय पटल पर इसको स्थापित करेंगे, उस दिशा में उपेंद्र जी ने भी काफ़ी मेहनत और संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनका भी सपना और संकल्प पूरा होगा, अभी वो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ऐसा नहीं लगता है कि जब एक सदस्य को ही मंत्रिमंडल में शामिल करना था
तो फिर ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, फिर ये आज मैंने अभी हुआ और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको हटा दिया गया। ये सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी बातें मैंने दिखा रही है। नहीं देखिए, कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी निर्णय और फैसले होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। तो आप जो कह रहे हैं कि 2019 में, तो 2019 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी थे और उन्होंने उस परिवेश के संदर्भ में जो निर्णय लिया था उसको पार्टी ने स्वीकार किया, सबकी सहमति हुई उस पर, सबने मुहर लगाया। और इस बार जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी ने जो निर्णय लिया वो इस समय के परिवेश के अनुरूप उन्होंने लिया है और उनके निर्णय को भी पार्टी के सभी साथियों ने और पार्टी के सभी नेताओं ने सहर्ष स्वीकार किया है। इसलिए जो ही हम लोगों को पार्टिसिपेटन या मैंने उसमें पार्टिसिपेट करने में जो ही पद मिला, जितना ही मंत्रालय मिला उस पर हमारी पार्टी ने स्वीकार किया और हमारे रामचंद्र बाबू राष्ट्रीय सरकार में शामिल हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।